फ्रेंड्स, दिस इज रिया एंड योर वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील्स ऑन द फीट। आज इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो होटल्स का रिव्यू इन प्राइम लोकेशन ऑफ मदुराई। दोस्तों, ये दोनों ही बजट होटल्स है एंड दोनों ही होटल का लोकेशन बहुत ही अच्छा है। इफ़ यू आर ऑन अ बजट ट्रिप तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए एंड होटल का फूड रिव्यू भी मैं करूँगी। दोस्तों, ये मेरे तमिलनाडु सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मस्ट ट्राई रेस्टोरेंट्स ऑफ मदुराई एंड उसके बाद रामेश्वरम कोडाईकनल का भी एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए एंड आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। तो पहले बात करती हूँ होटल तमिलनाडु का, जो एक गवर्नमेंट होटल है। मैं रामेश्वरम से रिटर्न आ रही थी एंड बुकिंग नहीं था। होटल तमिलनाडु में मैंने कॉल किया एंड थैंकफुली वहाँ पे एक लेडी थी, उन्हें कंफर्म किया रूम्स अवेलेबल है। आई हैड टू गॉट डाउन एट MGR बस स्टैंड बिकॉज वो लास्ट स्टॉप था एंड वहाँ से ऑटो लेके मैं यहाँ पे आई। 200 रुपीज़ ऑटो फेयर था आफ्टर निगोशिएटिंग विथ ऑटो अन्ना। डिस्टेंस इज नॉट मच बट वन वे है तो ऑटो फेयर ज़्यादा है। चेक इन प्रोसेस इज एज यूजुअल, ID कार्ड्स रिक्वायर्ड है एंड पेमेंट करने के बाद चेक इन कर सकते हैं। रूम्स देख लेते हैं पहले। होटल बाहर से देखने में जैसा लग रहा था, अंदर उतना खास नहीं लगा। रूम साइज इज ओके, बेड्स अच्छा है एंड बहुत ही मिनिमल फर्नीचर्स है और ओल्ड फैशन एक टीवी दिया हुआ है। देर इज़ अ स्मॉल चेंजिंग एरिया एंड हॉट वाटर 4 hours मॉर्निंग 4 hours इवनिंग में अवेलेबल है। रूम वैसे क्लीन ही है, रूम में एक कबर्ड होता तो बहुत अच्छा होता। चलो बाहर देखते हैं कैसा है। आउटसाइड प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छा है। लॉबी एंड रेस्टोरेंट अच्छा है, लिफ्ट भी मेंटेन्ड है तो क्लीन भी है पूरा ओवरऑल होटल। और स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप उनको कॉल करो तो वो तुरंत प्रोवाइड करते हैं। मेन जो इनका USP है इस होटल का वो है फूड एंड लोकेशन। लोकेशन बहुत ही प्राइम है। तीनों जो बस स्टॉप है नियर बाय है, रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो नियर बाय, टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस है क्योंकि मैं वॉक करके गई थी। मार्केट क्लोज रेडियस में है, क्रॉस करके टेम्पल आप जा सकते हैं। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही अच्छा है एंड दे स्टार्ट ब्रेकफास्ट फ्रॉम 7 AM। तो आपको कहीं दूसरे जगह पे भी जाना है तो यू कैन हैव द ब्रेकफास्ट एंड यू कैन गो। और चेक इन चेकआउट 24 hours का नहीं है, ये एक पॉइंट है। एंड जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो देख के आपको थोड़ा महंगा लगेगा बिकॉज फॉर अ सिंपल टी दे आर चार्जिंग 40 rupees, जबकि आपको बाहर से 10 rupees में बहुत अच्छी चाय मिल जाएगी। फूड टेस्ट इज़ टू गुड, आप इस रेस्टोरेंट का ज़रूर ट्राई कर सकते हैं डिनर या लंच के लिए भी। इसका डिटेल फूड रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और मैं इस होटल को हाईली रेकमेंड करती हूँ जो कि बजट ट्रैवलर से सोलो ट्रैवलर या बिजनेस ट्रैवलर है उनके लिए। होटल का बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलो अभी नेक्स्ट होटल की बात करते हैं। नेक्स्ट होटल एक बहुत ही लो बजट होटल है जो कि होटल KPS है। आपको 1000 rupees में AC रूम मिल जाएगा क्योंकि ये लो बजट होटल है तो इसमें एमिनिटीज़ भी कुछ भी नहीं है एंड होटल लॉबी और रिसेप्शन थोड़ा रेनोवेट किया हुआ है। रूम्स भी कुछ रूम्स रेनोवेट किया हुआ है। बहुत ही पुराना होटल है ये, बट हर एक चीज़ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो इसका एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि ये 24 hours का चेक इन चेकआउट है एंड लोकेशन बिल्कुल ही मदुराई जंक्शन के बाहर है। सो 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में आपको स्टेशन, टेम्पल एंड रेस्टोरेंट्स जो भी है खाने के लिए अच्छे वाले रेस्टोरेंट्स जो है यहीं पे है। ऑल्सो शॉपिंग मॉल्स आर नियर बाय। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे होटल में रुकी हूँ बट इसका एडवांटेज जो है वो मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के ट्रिप पे थी एंड मुझे फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है। तो इसके टेरेस पे आप जा सकते हैं जो कि 7th floor पे है और वहाँ से पूरा मदुराई शहर आपको दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस होटल का इन हाउस रेस्टोरेंट नहीं है, अगर आप पूछेंगे तो ये आपको बाहर से ला के रूम सर्विस कर देंगे, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं जो आपको ट्राई करना चाहिए वो लगभग इसी एरिया में है। और क्योंकि ये स्टेशन के बिल्कुल बाहर है तो एरिया थोड़ा कंजस्टेड है।
और एक पॉइंट है कि यहाँ पे कैशलेस सर्विस अवेलेबल नहीं है, पेमेंट आपको कैश में ही करना होगा। और 500 रुपीज़ ये कुछ एडवांस रख लेते हैं अलॉन्ग विद द फुल पेमेंट, तो वो आपको बाद में रिटर्न कर देते हैं चेकआउट के टाइम पे। दोनों ही होटल में कॉमन बात ये है कि मेरा प्री बुकिंग नहीं था, तो मैंने ऑन द स्पॉट जाके बुक किया है रूम चेक करने के बाद। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि सारे रूम्स अच्छे नहीं होते हैं, तो जो भी आपको अच्छा नहीं लगे, ये आपको फोर्स नहीं कर रहे वहाँ पे रुकने के लिए, तो यू हैव टू चेक द रूम कि कैसा है, रूम में नीट एंड क्लीन है कि नहीं। या तो आप उनको बोल सकते, मैंने क्योंकि चेक करके लिया तो मुझे दोनों ही रूम अच्छा मिला है, किसी भी रूम में मुझे सिलन या कोई भी कॉकरोच या कुछ भी ऐसा गलत नहीं मिला, तो आप भी चेक करके लीजिए। दूसरा बेनिफिट आपके पास ये रहता है, प्राइस कंपेयर करने का चांस रहता है, तो आप आजू बाजू में जो होटल्स है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि उसका रूम क्वालिटी और प्राइस कैसा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं और आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।